दोस्तों फिलहाल अभी है हम आरडी कैटल फार्म में। ठीक, ठीक है, जैसे कि तुम जानते हो आरडी कैटल फार्म अभी नया नया बना है और इसमें काफ़ी अच्छे जानवर अवेलेबल है। जैसे देख सकते हो तुम लोग ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का जो है ये कैटल फार्म है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बैल, गाय, कंकराज, बाछी जानवर, ओंगोले, ऑक्स, अलग लेवल के ब्रीड्स सब अवेलेबल है। ठीक है, तो एक छोटा सा टूर ब्लॉग में अभी आपको ये देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने बोजरहाट का भी पहले वाला पार्ट्स नहीं देखा है तो नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाए उसे सबसे पहले चेकआउट कर ले। देखो ये कंकराज मुझे झांक रहा है, तो आओ मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ। उससे पहले सबसे पहला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कैटल, मतलब कैटल फार्म जो है वो बना कैसे है। ठीक है, कितने शेड्स हैं, क्या है नहीं है, पहले आप लोग देख लो और कहाँ कहाँ जानवर है, पहले स्ट्रक्चर ऑफ कैटल दिखाते हैं, उसके बाद जानवर आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। शेड नंबर वन हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया शेड नंबर वन, जैसे देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये शेड नंबर वन हो गया, पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है ये शेड नंबर वन है, और फिर यहाँ पर एक ब्रेक है, और ये हो गया शेड नंबर टू। शेड नंबर टू में अगर मैं बात करूँ आप लोगों, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भैंस है। ठीक है, और शेड नंबर वन में अगर मैं बात करूँ तो मेन जानवर जो है यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, मेन जानवर कंकराज वगैरह, ठीक है, और वहाँ पर जैसे आप देख सकते उस एरिया में वहाँ पर सिर्फ बैल है, बड़ा बड़ा बैल, जो कि मैं आप लोगों में दिखाऊँगा। और जो से जानवर जो है यहाँ पर जो दूध देती है, वो जानवर जो दूध देने वाली उसे यहाँ कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, और ग्वाला आता है और दूध यही लाइन से निकाल करके जो है निकल जाता है, उसे दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी जानवर यहाँ पर से दूध देती है उसे यहाँ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जानवर है वो कोई भी अभी दूध दे नहीं रही है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है भैंस का एरिया है। ठीक है, ये शेड नंबर टू है एंड दिस इज शेड नंबर वन। तो आओ यहाँ से आपको पहले यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से आप लोगों को कुछ जानवर है बैल वहाँ पर जैसे आप देख सकते हो वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो शुरू यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सेकंड लेगा लाइक मार दो, नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दो, या इससे क्या ना एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो बनाया हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब कर दो नीचे चैनल को, रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक कर दो, एक सेकंड लेगा क्लिक कर दो लाइक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जानवर आप सबके सामने हाजिर है और ये है कंकराज। आप लोग देख सकते हैं ये कंकराज गाय है, और ओवरऑल मैं इसकी सिमेट्री की बात करूँ तो सबसे पहले आप इसका फेस देखो। ठीक है, और फेस देखने के बाद सबसे पहले भी जो ये बात आती है कि इसका भारीपन जो है, ठीक है, ये भारीपन बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो तुम लोग। ओए होए होए माशाल्लाह, मतलब कि हर तरफ से जो है ये जानवर जो है भरा हुआ है। और एक बार आप लोग इसके झालर में गौर करो, ठीक है, माशाल्लाह, एक बार आप झालर में गौर करो, आप लोगों को एक बार समझ में आया कि इसका झालर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और ओवरऑल मैं अगर ब्यूटी की बात करूँ तो बहुत ही परफेक्ट ब्यूटी इसका जो मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वालिटी लेवल कंकराज जो होता है ना दोस्तों ये है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जानवर में आते हैं, मैं आप लोगों को ये कंकराज दिखा दिया था, बहुत ज़्यादा गोल मटोल है, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद आता है ये वाला कंकराज। ठीक है, ये कंकराज जो है ये गाय है, और ओवरऑल मैं अगर इसकी ब्यूटी की बात करूँ तो ये भी काफ़ी, दोनों जो है अपने आप में, ठीक है, दोनों अपने आप में है। और दोनों का झालर जो मुझे देखने को मिल रहा है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सामने से जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सिनेमैटिक शॉट्स में तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देख सकते हो झालर, देखो माशाल्लाह, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट कंकराज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कंकराज कलेक्शंस आरडी कैटल फार्म का। और अगर पीछे से देखोगे तो हर तरफ से जो है भरा हुआ देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, दोनों कंकराज जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, क्योंकि हर तरफ से जो है दोनों का दोनों भरा हुआ है। स्किन क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत अलग लेवल का जो है इसका ब्यूटी है, दोनों का ब्यूटी। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग ये कंकराज क्या ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है और गोल मटोल है, सबसे बड़ी बात है। तो ये क्वालिटी कंकराज है, और इसके बाद ये हो गया आप लोग का। ठीक है, तो दो कंकराज जो गाय है वो स्टार्टिंग लाइन में फर्स्ट और सेकेंड जानवर रखा गया है। ठीक है, ओवरऑल सिमेट्री देख लो, ठीक है, माशाल्लाह। थर्ड जानवर में आते, थर्ड जानवर ये है, तो इसका आप लोग, ये थर्ड जानवर हो गया। ठीक है, थर्ड जानवर का मैं आप लोगों को एक बार पीछे से दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुझे जो है थर्ड जानवर का जो ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, थर्ड जानवर हो गया आप लोगों के सामने, और अब मैं आप लोगों को फोर्थ जानवर दिखाता हूँ। फोर्थ जानवर देखो माशाल्लाह, बहुत उमदा जो है, अलग लेवल का जो है, गुलाई वगैरह आप लोग चेक करते रहना। और ओवरऑल सिमेट्री जो है मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये लेंथ में जानवर है, ठीक है, लेंदी है,
हाइटेट कम है, लेंदी ज़्यादा है। तो ये आप लोगों का 3 से 4 जानवर हो चुका है, और वहाँ से आप लोगों का 1st, 2nd, 3rd, 4th, एंड ये आपके सामने हो गया 5th जानवर। तो इसकी बात करूँ तो लाइट ब्राउन है, ठीक है, और स्किन का क्वालिटी काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, क्योंकि इसका कलर जो है वो साफ झलक रहा है। तो आप लोग यार पीछे से इसका ओवरऑल ब्यूटी देख लो, जिसको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार सिमेट्री देखते जाना, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो, ये जानवर आप लोगों का हो गया 5th जानवर, ठीक है। इसका भी काफ़ी अच्छा जो है सिमेट्री मुझे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद आता है ये वाला, ठीक है। और सब जानवर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कोई कोई जानवर जो है बहुत ज़्यादा हेवी वेट है, तो ओवरऑल आप लोगों को देखने को मिलता ही होगा, ठीक है। तो ये सब जानवर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कलेक्शन से देख सकते हो तुम लोग RD कैटल फार्म का, जो कि तैयार हो रहा है 2023 के लिए, आप सभी के लिए। आप लोग आए, आप लोग विजिट करें, देखें, आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को जानवर दिखा चुका हूँ। अब आते हैं आप लोगों के सामने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th जानवर में, ठीक है। ये 7th जानवर अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और हल्का सा ये घायल हो चुका है, और इसके बाद आते हैं ये वाला में जानवर देखे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी इसकी, इसका जो सलामी है वो काफ़ी अच्छा है। ओह, ये देखो सलामी के पर गौर करो, और काफ़ी अच्छा मुझे सलामी जो है इसका लगा है, और गोल मटोले हर तरफ से, ठीक है। तो जितने भी जानवर मुझे अभी तक यहाँ से देखने को मिले हैं, सब ज़्यादातर गोल मटोले हर तरफ से अच्छे हैं और खूबसूरत भी हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लो, इसे दोनों को मैं खड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा अंदाज़ा हो जाए। दोस्तों ये खड़ा हो चुका है, आप लोग इसका ओवरऑल ब्यूटी देख लो, ठीक है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गोल मटोल जानवर है, ठीक है। और उसके बाद आता है ये वाला, जैसे देख सकते हो आप लोग, ये इसका एक बयान हो चुका है, जैसे कि दिखा जा रहा है, और बहुत ही अच्छा जो मीडियम रेंज में जानवर खोजते हैं वो ऐसा जानवर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट जानवर, क्योंकि झालर बोलो, ओवरऑल ब्यूटी बोलो, हाइट बोलो, काफ़ी अच्छा है मीडियम रेंज के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो तुम लोग, और प्राइस रेंज जो है वो ओनर भाई आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका जो है नंबर दिया हुआ है, आप लोग इजीली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, देखो ऐसा जानवर जो है RD कैटल फार्म में स्टार्टिंग में भी है, वो बहुत ज़्यादा भारी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक जानवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला में, और ये जानवर की अगर मैं आपको बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाइटेड है, ठीक है। ये जानवर हाइटेड है, और पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माशाल्लाह। और इसकी पीठ में जो है ढलान है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ढलान है, लेकिन जो है पीठ ऐसा नहीं हो गया, झुक गया नहीं है, ठीक है, पीठ स्ट्रेट है, ये देखो पीठ स्ट्रेट है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल ब्यूटी है, देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट जानवर में मूव करता हूँ मैं, नेक्स्ट जानवर आपके सामने ये हाजिर है दोस्तों, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जानवर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मैं साइड करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जानवर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट जानवर ये आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट है। चारे की खूबसूरती जो है वन ऑफ द बेस्ट है इसका, और ओवरऑल ब्यूटी में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अलग लेवल का इसका जो बॉडी का शेप है वो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। तो ये आप लोगों को मैं लाइन से दिखा रहा हूँ वहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने मेरा वन ऑफ द फेवरेट जानवर हो गया, और इसका ब्रीड कि कमेंट सेक्शन में इसका ब्रीड गेस करके बताओ, 12वां जानवर है, मतलब 12th जानवर है, तो इसका आप लोग ब्रीड गेस करके बताओ, ठीक है, कौन सा ब्रीड का, कौन सा नस्ल का ये जानवर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, ये आते हैं इसमें, और ये भी वन ऑफ द माई फेवरेट है, क्योंकि इसे मैं साइड करने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये हो गया साइड, और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो तुम लोग, और वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस जो है यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हो तुम लोग, गुलाई वगैरह चेक करो, और ये हो गया इसका ब्यूटी, माशाल्लाह हर तरफ से गोल मटोल, ऐसा जानवर जो है बहुत खूबसूरत होता है, और वेट काफ़ी आसानी से जो है वो पकड़ लेता है। और उसके बाद आता है ये वाला, देख सकते हो लेंदी है, ये लेंदी है, लेंदी की वजह से जो सलामी हल्का सा नहीं है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, लेंदी जानवर है, ठीक है, और देख सकते हो तुम लोग, और मैं इसका हल्का सा यहाँ से घूरता हूँ, तो जैसे ये देख रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट है, ये तो आपको दिखा चुका हूँ, और इसके बाद आता है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट है, देख सकते हो कि इसका वाइट और ब्लैक कलर के शेड में, लेकिन इसका पीछे का आप लोग शेप देखो, मतलब इसके बारे में तुम क्या बोलोगे, मतलब अलग लेवल का जो है कलेक्शन है, देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि पीठ में ढलान है, एक तरह के स्लोप है, और पीठ में जैसे मैं देख रहा हूँ कि हल्का सा जो है पीठ झुका हुआ, हल्का सा ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है पूरा, जैसे देख सकते हो आप लोगों को समझ में आता होगा, और बहुत ज़्यादा लेकिन हेवी वेट है। मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि जो जानवर जो है ना हाइट धरता है ना, उसका कहीं ना कहीं हाइट शॉर्ट होने के कारण उसका जो पीठ है वो ढलान हो जाता है, लेकिन जो है इसका उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बस, ठीक है। ये देख सकते हो तुम लोग ओवरऑल ब्यूटी इसका माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा जो है आप लोग पीछे से इसका शेप देख सकते हो, मतलब कि अलग लेवल भाई, देख सकते हो ओवरऑल ब्यूटी, हर तरफ से भरा हुआ जानवर। उसके बाद आता है ये वाला, ये सब प्रीमियम जानवर है, ठीक है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये सब प्रीमियम जानवर है, ऐसा जानवर आप लोगों को खरीदना है तो RD कैटल फार्म में आप लोग ज़रूर विजिट करें, आपको वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसका गुलाई वगैरह चेक करें, आप लोग इसका ओवरऑल ब्यूटी का शेप चेक करें,
तो मैं आप लोगों को लाइन से जानवर दिखा रहा हूँ। आई होप आप सबको जो है हर एक जानवर अच्छा लगता होगा। मुझे फेवरेट मेरा जानवर जो है ये लगा है, क्योंकि ये हाइट में शॉर्ट था लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जानवर था। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग, बहुत खूबसूरत जानवर है। सलामी देखो यार, माशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह, बहुत उनका जानवर है। देख सकते हो स्किन का क्वालिटी में, नहीं है बात है ना कि स्किन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का काफ़ी खूबसूरत जानवर। ये दोनों जानवर जो है ना एक सेम हाइट का है, लेकिन ये दोनों को एक साथ रखा गया है। अब आते हैं इसमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी नॉर्मल साइज़ का जानवर है। ये सब हाइट के जानवर जो है यहाँ पर रखे गए हैं, हाइट शॉर्ट जो है। और इसका जो मैं जैसे कि देख रहा हूँ, हर जानवर का झालर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका झालर थोड़ा कम है, लेकिन पीठ स्ट्रेट है, देख सकते हो एकदम स्ट्रेट है, कहीं पर भी झुकावट नहीं है पीठ, और दुम के साइड भी जो है कोई भी जो है ढलान नहीं है। और ओवरऑल ब्यूटी जो है काफ़ी खूबसूरत मुझे देखने को मिल रहा है, और हर तरफ से भरा हुआ, ये बड़ी बात है। ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग ओवरऑल ब्यूटी देखो काफ़ी अच्छा है। रेटिंग बताओ कि लाइन से जानवर जो है सबसे बेहतरीन जानवर आपको कौन सा लगा, कमेंट डाउन बिलो। और ब्रीड जिसका गेस करने के लिए बोला हूँ, उसका ब्रीड ज़रूर गेस करके बताना कि कौन सा ब्रीड है। अब आता है ये वाला, और ये वाला का जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेवी वेट जानवर है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट है, मतलब इसकी हेवीपन जो है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसका कलर की वजह से थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को क्वालिटी में डिफर मिलता होगा, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा हेवी वेट जानवर है। और मेरे को एरिया नहीं मिल रहा कि मैं आप लोगों को जो है हल्का सा दिखाऊँ, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर कमेंट करिए। ऐसा जानवर जो है बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भारी है, देख सकते हो आप लोग ये जानवर। ओहो हो माशाल्लाह, ये देखो आप लोग, ये आप लोगों को क्लियर व्यू में आप लोगों को ये जानवर दिखता होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती कि आप लोगों को ये जानवर देखने में। माशाल्लाह बहुत उमदा, बहुत भारी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे का चौड़ाई, सामने का चौड़ाई, ओवरऑल बहुत ज़्यादा भारी जानवर है। और उसके बाद आता है ये वाला, माशाल्लाह, ये आप लोग सामने का जो एक बार झालर देखिएगा, ठीक है, एक बार झालर आप लोग देखिए इसका जो है, ये लटका हुआ इस एरिया का बेसिकली। ठीक है, तो ये आप लोग काफ़ी जो है ये मुझे अच्छा लगा है, देख सकते हो आप लोग झालर के ऊपर गौर करो। तो इससे जानवर का जो है ना खूबसूरती पता चलता है। ये जानवर जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रीमियम जानवर है। ये झालर आप लोग देख लो पहले, ठीक है, ये झारवाल आप लोग देख चुके हैं। सीना जो है काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का सीना है इसका। और सलामी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, नीचे नहीं है, बेस्ट सलामी, छोटा मोटा है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है। हमने फुल ब्यूटी इसकी हाजिर है दोस्तों, और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत ज़्यादा अलग लेवल का, हाइट छोटा है लेकिन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा भारी जानवर है। ठीक है, रेड में भी कई लोगों का शौकीन होता है कि मुझे रेड जानवर परचेस करना है, तो ऐसा जानवर आप ले सकते हैं अगर आप लोगों का बजट हाई है। बहुत अलग लेवल का जानवर, खूबसूरती अच्छी है लेकिन इसीलिए इसका डिमांड जो है थोड़ा हाई भी रहेगा, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग लेवल का जानवर है, क्योंकि हर तरफ से भरा हुआ भी है, पीठ भी स्ट्रेट है इसका, तो क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। अब आते हैं इसमें, ठीक है, जैसे आप लोग ये देख सकते हो, और ये भी माशाल्लाह से बहुत अलग लेवल का जानवर है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन की क्वालिटी, अगर झालर की बात करोगे तुम लोग, देख सकते हो झालर जो है स्किन की क्वालिटी से पता चलता होगा आप लोगों को। उतना ज़्यादा झालर नहीं है, लटका हुआ नहीं है इसके जैसा, लेकिन तब भी बहुत अलग लेवल का ये, ठीक है, क्योंकि जो है हर तरफ से भरा हुआ है, हाइट काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, और फुल बॉडी आप लोगों को देखने को मिलता होगा। और पीछे से इसका शेप ऐसा है कुछ, देख सकते हो तुम लोग, पीछे से शेप इसका ऐसा है कुछ। और ओवरऑल ब्यूटी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, तो इसे ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, फुल फ्रेम में आपको ये दिखा होगा। उसके बाद आते हैं ये वाला में, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मुझे ये देखने को मिला है, क्योंकि इसका झालर देखो, ओए होए होए माशाल्लाह, ये एरिया आप लोग देखो इसका, देख सकते हो तुम लोग, मतलब कि एकदम स्मूथ, एकदम प्योर वाइट कलर में दिखना होगा आपको। तो ये आप लोगों के सामने हो गया दोस्तों, हाजिर है बहुत अलग लेवल का जानवर। ऐसा जानवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, मीडियम रेंज का जानवर है, लेकिन इतना अच्छा है कि हर तरफ से भरा हुआ है, झालर काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो इसका स्किन जो है झालर की तरफ काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पीछे से अगर मैं आपको बात करूँ तो पिंक हो गया पूरा का पूरा, देख सकते हो ये एरिया पूरा पिंक हो रहा है। और ओवरऑल बॉडी का काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो ढलान नहीं कहीं, एकदम स्ट्रेट आप लोगों को दिखता होगा ये एरिया, और चौड़ाई जो है काफ़ी अच्छा है मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों के सामने हाजिर है दोस्तों, बहुत अलग लेवल का जानवर मुझे ये वाला परफेक्टली लगा, फुल फ्रेम में आप लोगों को ये जानवर जो है क्लियरली दिखता होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी आप लोगों की क्वालिटी में। ये देखो झालर देखो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर कमेंट करें आप लोग, आप लोगों को हर एक कलेक्शंस देखने को मिल रहा। अगर आप लोग इत्मीनान से बैठ करके देखते होंगे तो आपको हर एक जानवर का जो है खूबसूरती ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि मैं जो है फुल फ्रेम में इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ। इसे भी अब हम लोग साइड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों को ये दिखाते हैं दोस्तों, आपके सामने ये हाजिर है दोस्तों, आप लोग ये देखें, ये और ये जानवर सेम टू सेम, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा भारी था, ये थोड़ा हल्का सा कम है उससे,
कंपैरेटिवली, और आप लोग ये पीछे से फ्रेम देख ले, और सामने से अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो इसका जो है सलामी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है इसके मुकाबले में, ठीक है ठीक है। हल्का सा इसमें अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ ना तो इसमें हल्का सा ढलान है पीठ की तरफ, ठीक है, और उसमें भी हल्का सा है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जानवर जो है स्ट्रेट अगर रहे ना तो वो जो है उसका पेट लटकता नहीं है ऐसा, तो वो काफ़ी एक अच्छी बात होती है। दोनों में मुझे देखने को मिला है कि वेट लेने के बावजूद, इतना हैवी वेट होने के बावजूद जो है दोनों में जो है पीठ जो है वो झुका नहीं है, पेट लटका हुआ नहीं है, फिट पेट है, वो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये लाइन से मैं आपको जानवर दिखा रहा था, ये छोटा सा एक जानवर बैठा हुआ है, इसे मैं उठाऊंगा नहीं, ये ब्लैक एंड वाइट कलर में है, तो आप लोग देख सकते हो सेकेंड लास्ट जानवर है ये वाला, और द लास्ट जानवर ये वाला, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है, ओवरऑल आप इसका ब्यूटी देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या बोलोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने हो गया लास्ट जानवर ये लाइन का, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैवी वेट जानवर है। ओए होए होए, तुम देख लो यहाँ पर पीछे से इसका फ्रेम चौड़ाई देखो, पीठ का मतलब एक होता है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चौड़ाई गिनूँ तो साढ़े तीन हाथ, साढ़े तीन हाथ दोस्तों आराम से जो है इसका जो फ्रेम में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ होगा। और तुम लोग इसका बॉडी फ्रेम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, लाइट है, और अभी हाइट ये और धरेगा जैसे कि अभी मुझे पता चल रहा है देख करके, और स्किन का क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगी माशाल्लाह से। तो मैं आप लोगों को ये सब जानवर जो है दिखा चुका हूँ, ओवरऑल ब्यूटी के हिसाब से, हर कलेक्शंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी वेट है ये जैसे। तो और ये दोनों जैसे मैं आप लोगों को बताया कि वन ऑफ़ द बेस्ट मुझे लगा, दोनों वन ऑफ़ द बेस्ट लगा, और ये लाइन से मैंने आप लोगों को दिखा दिया स्टार्टिंग। حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حر وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حر وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حر وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني फाइनली निकल चुके हैं अभी यहाँ से, देख लो यही है मेन गेट, ठीक है, आरडी का, तो यहीं से निकल चुके हैं अभी हम लोग। तो दोस्तों ये था आरडी कैटल फार्म का टूर, आई होप आप सबको जो है ये आरडी कैटल फार्म का टूर व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक सेकंड लेगा, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। आरडी बहुत अलग लेवल का कलेक्शंस था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, घर में रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय, मीट यू ऑल वेरी सून।